बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास टू को सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करूँगी। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करवानी है। उससे पहले मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताऊँगी। यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 4, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, आई का पोजेसिव प्रोनाउन है माई, वी का आर, यू है हमारा सेकंड पर्सन, यू का पोजेसिव प्रोनाउन है योर, ही जैसा कि आपको पता है हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, शी गर्ल्स के लिए, दे मोर देन थिंग्स ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर इट, ये हमारा थर्ड पर्सन। ही का जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है वो है हिज, शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। आए अब चलते हैं हम बुक की तरफ। पेज नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएं। यूज माई, योर, हिज, हर, देयर और आर टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इन वर्ड्स को इस फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज करना है, इसीलिए मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन बता दिए हैं। एग्जाम्पल में देखें, अंकल उमर, आई लव माई क्रोकोडाइल्स, दे आर नाइस। हमने आई का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है माई। आंटी फ्रीदा, वेल आई डोंट लाइक डैश क्रोकोडाइल्स, प्लीज टेक देम अवे। अब हमने यहाँ पे जो पोजेसिव प्रोनाउन वो योर लगाना है। योर क्यों आ रहा है? क्योंकि आंटी फ्रीदा उनसे कह रहे हैं, वेल आई डोंट लाइक योर क्रोकोडाइल, कि मैं तुम्हारे क्रोकोडाइल को पसंद नहीं करती। यहाँ पे हम अंकल उमर को यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर। अंकल उमर, वाई आंटी फ्रीदा ग्रैंडमा इज अफ्रेड दे विल ईट डैश कैट। अब ग्रैंडमा क्या है? एक गर्ल है, गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी। तो शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हर। तो हम यहाँ पे हर राइट करेंगे। अंकल उमर नॉनसेंस, आंटी फ्रीदा ग्रैंडपा थिंक्स दे विल फ्राइटन अवे डैश फ्रेंड्स। अब ग्रैंडपा क्या है? एक बॉय है, बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही। तो ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज। अंकल उमर द क्रोकोडाइल्स स्टे इन डैश पाउंड्स। अब क्रोकोडाइल ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन? देयर। आंटी फ्रीदा वी डोंट लाइक क्रोकोडाइल्स इन डैश गार्डन। वी का पोजेसिव प्रोनाउन है आर, तो हम यहाँ पे आर राइट करेंगे। अंकल उमर इट्स डैश गार्डन टू। अब अंकल उमर कह रहे हैं कि मेरा भी गार्डन है, तो अब आई के साथ हम पोजेसिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे? माई। नाउ रीड द कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड, टॉपिक नंबर बी पे आ जाएं। लुक एट द टेबल अबाउट टॉम्स फैमिली। हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग टॉम फैमिली के बारे में लिखना है। राइट सेंटेंस अबाउट व्हाट दे डू एंड डू नॉट लाइक टू डू। अब वो जो चीज़ पसंद करते हैं उन्होंने यहाँ पे देखे टिक लगाया हुआ, और जिसको वो पसंद नहीं करते उस पर हमने ने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। एग्जाम्पल में देखें, टॉम लाइक्स ड्राइंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड रीडिंग। ही क्यों आया? क्योंकि जो टॉम है वो बॉय है। ही डजंट लाइक सिंगिंग। अब देखे सिंगिंग पे उन्होंने टिक नहीं लगाया, तो वो उसको डिसलाइक करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉम मदर लाइक सिंगिंग, ड्राइंग एंड रीडिंग। शी डजंट लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। टॉम फादर लाइक सिंगिंग, राइडिंग बाइसाइकिल एंड रीडिंग। ही डज नॉट लाइक ड्राइंग। टॉम सिस्टर लाइक सिंगिंग, ड्राइंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल। सिस्टर है उसकी, तो वो लड़की है, उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। शी डजंट लाइक रीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखें, सी व्हाट डज योर फ्रेंड लाइक टू डू। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपके दोस्त क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते, उसके बारे में आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिखेंगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में। यहाँ पे मैं वैसे सरसरी तौर पे बताने लगी हूँ, माई फ्रेंड्स लाइक ड्राइंग। अगर तो आप बॉयज़ हैं तो आप यूज़ करेंगे ही, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप यूज़ करेंगी शी।
तो आज मैं गर्ल्स हूँ इसलिए मैं शी यूज़ करूँगी. शी डज नॉट लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल. अब टी पे देखें. राइट अबाउट व्हाट यू लाइक टू डू. एग्जाम्पल, आई लाइक टीचिंग. मैं टीचिंग पसंद करती हूँ इसलिए मैंने टीचिंग लिखा. तो आप लोग अपनी जो आप चीज़ लाइक करते हो उसके बारे में लिखेंगे. आई डोंट लाइक सिंगिंग. मुझे सिंगिंग नहीं पसंद तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी सिंगिंग. तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.